भाजपा मंडल सोलन ने एक बार फिर विधायक धनीराम शांडिल पर लॉकडाउन के दौरान संकट में फंसे लोगों का हालचाल ना पूछने का आरोप लगाया है। इसके अलावा भाजपा मंडल सोलन ने चीन मामले में कांग्रेस नेताओं द्वारा की जा रही टिप्पणी पर भी सवाल उठाए हैं। भाजपा मंडल सोलन के अध्यक्ष मदन ठाकुर ने सोलन में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि कोरोना संकट के बीच भाजपा मंडल सोलन ने बूथ स्तर पर जाकर 1,32,500 मास्क और 30,000 बोतलें सैनिटाइजर की वितरित की हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा भाजपा मंडल सोलन ने 55,000 लोगों को खाना खिलाया है। उन्होंने कहा कि इस बीच स्थानीय विधायक कर्नल धनीराम शांडिल कहीं नजर नहीं आए और लॉकडाउन के दौरान भी वे शूलिनी मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे, जबकि वहां जाने की मनाही थी। मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ और इस वैश्विक महामारी में सोलन मंडल भी पीछे नहीं रहा है। संकट की इस घड़ी में लोगों के साथ खड़ा था, लोगों की सूद बूद, लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इस दृष्टि से सोलन मंडल ने जनता के साथ मिलकर के जो है उनके दुख सुख को साझा किया है। और कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जुमला पार्टी जो कह रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि लॉकडाउन के दरमियान और जब उसमें अमेंड हुआ, रिलैक्सेशन मिली, तो मैं यहाँ के स्थानीय विधायक से पूछना चाहता हूँ कि आपने कितने लोगों की सहायता की, कितने लोगों की सूद बूद ली, कितने लोगों के बीच में गए, कौन सी पंचायत में गए, जनता आपसे जवाब मांगेगी। वहीं प्रदेश भाजपा कार्यसमिति के सदस्य डॉक्टर राजेश कश्यप ने कहा कि भारतीय सेना ने चीन को बॉर्डर पर मुंह तोड़ जवाब देकर पीछे धकेला है, लेकिन सेना पर पूर्व संसदीय सचिव नीरज भारती की टिप्पणी मनोबल गिराने वाली है। उन्होंने स्थानीय विधायक कर्नल धनीराम शांडिल से सवाल किया है कि वे सेना में विभिन्न पदों पर रह चुके हैं, क्या नीरज भारती की टिप्पणी सही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में शांडिल को अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता जो पूर्व में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रहे हैं श्री नीरज भारती जी, वो भारतीय सेना और भारतीय सेना द्वारा की गई कार्रवाई की आलोचना कर रहे हैं, जिसके कारण उनके खिलाफ जो है एक FIR हुई और उसके पश्चात FIR होने के पश्चात उनको जो है अरेस्ट किया गया है। ऐसी घिनौनी हरकत करना ये बिल्कुल जो है भारत वर्ष में, पूरे देश में जो है इसकी निंदा हुई है, हम भी इसकी निंदा करते हैं और कांग्रेस के सभी नेताओं से ये आग्रह करते हैं कि वो बताएं कि क्या ये कार्रवाई जो या जो उन्होंने भारतीय सेना की निंदा की है श्री नीरज भारती जी ने, क्या उचित है या अनुचित है। मैं खास तौर पर जो हमारे यहाँ के सांसद है सम्माननीय कर्नल धनीराम शांडिल जी, जो सेना में काफी सारे औहदों पे पहले रह चुके हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर हुए, मैं उनसे भी पूछना चाहूंगा कि नीरज भारती द्वारा जो सेना के खिलाफ और सेना द्वारा की गई कार्रवाई उस पर टिप्पणी करना क्या उचित है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, सोलन।